राम की पैदाइश के मुकाम का एक नया तनाजिया शुरू हो गया है। ये तनाजिया नेपाल के वजीर आजम केपी शर्मा ओली ने शुरू किया है। एक तकरीब से खिताब करते हुए ओली ने यह दावा किया कि असली अयोध्या नेपाल में है, हिंदुस्तान में नहीं। और लॉर्ड राम जनूबी नेपाल में थोरी में पैदा हुए थे। ओली ने नेपाली शायर बानु बख्ता की यौम पैदाइश के मौके पर मुनाकदा एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि नेपाल के सकाफती तारीख में हेरा फेरी हुई है। बानु बख्ता 1814 में मगरबी नेपाल के तनहो में पैदा हुए थे और उन्हें वाल्मीकि के रामायण का नेपाली जुबान में तर्जमा करने का एहसास हासिल है। 1868 में उनका इंतकाल हुआ। वजीर आजम नेपाल ओली के बयान की मजम्मत करते हुए बीजेपी के कौमी तर्जुमान सोनकर शास्त्री ने कहा है कि हिंदुस्तान में बाएं बाजू की जमातें भी लोगों के एतमाद के साथ खेली हैं। लॉर्ड राम हमारे लिए एतकाद का मामला है।